शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 5वें T20 में 42 रनों से हराकर की 5 मैच के T20 में 4-1 से जीत हासिल। जिम्बाब्वे ने सिकंदर रजा की कप्तानी में सीरीज का पहला मैच जीता, लेकिन उसके बाद उनकी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 168 रन बनाए। भारत का टॉप ऑर्डर इस मैच में जल्दी बिखर गया। मात्र 40 रनों पर ही भारत ने अपने 3 विकेट खो दिए। टीम के वाइस कैप्टन संजू सैमसन और रियान पराग ने टीम की पारी को संभाला और 65 रनों की पार्टनरशिप बनाई। संजू सैमसन ने 45 गेंदों में 58 रन बनाए। भारत ने शिवम दुबे और रिंकू सिंह की मदद से अपने आखिरी 2 ओवरों में 30 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजी अटैकिंग मोड पर थी। मुकेश कुमार ने पहले 3 ओवरों में ही जिम्बाब्वे के 3 विकेट चटका दिए थे। जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने उसके बाद 44 रनों की साझेदारी की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। टीम ने महज 9 रनों के भीतर ही अपने 3 विकेट खो दिए, जिसमें कप्तान सिकंदर रजा का रन आउट भी शामिल था। जिम्बाब्वे की टीम महज 125 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए, जो कि किसी भी बॉलर का इस सीरीज में सर्वाधिक प्रदर्शन है। शिवम दुबे को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टीम इंडिया के इस घमासान जीत के बाद कई सवाल उठ रहे कि टीम के आने वाले मैचेस में टीम का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। कॉम्पिटिशन तो बहुत है, लेकिन जगह कुछ ही खाली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 रिटायरमेंट के बाद अब देखने योग्य बात यह होगी कि कोच गौतम गंभीर किसे ओपनिंग बल्लेबाजों के तौर पर चुनते हैं और कौन नंबर 3 के रिक्त पायदान की पूर्ति करेगा।